आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। बहेड़ी के गांव पीपरा नानकार के प्रधान पति व सपा के सेक्टर प्रभारी की हत्या। बहेड़ी के थाना देवरनिया के गांव पीपरा नानकार में प्रधान पति व सपा के सेक्टर प्रभारी की दिन दहाड़े गला दबाकर हत्या कर दी गई और सबको गन्ने के खेत में फेंक कर हत्यारे मौके से फरार हो गए। रोड पर बाइक को देखकर राहगीरों ने देखा तो रहस्य का पता चला कि सबके पास पानी की बोतलें पड़ी मिली, जिसकी सूचना घर पर दी गई तो घर में कोहरा मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ बहेड़ी ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने आनंद फानंद में उनके परिजनों को सूचना दी तो घर में ही क्या पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव से देखने वालों का तांता लग गया, जिसकी सूचना रिशा चौकी इंचार्ज अरविंद चौहान को दी गई। एसओ बलवीर सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। परिजन इस मामले में नामजद तहरीर देने की बात कर रहे थे, मगर समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं दी गई। चार पांच लोग और आ गए साथ में मेरे, तो उन्होंने देखा हम सब ने तो बीच में पड़े हुए थे गन्ने के। घर से किस टाइम निकले थे आप? घर से लगभग सुबह 10 से 11 के बीच में निकले थे। आपको सूचना किस समय मिली? सूचना मिली लगभग 2 से या 3 बजे के टाइम में। किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? दुश्मनी चल रही है। अच्छा, इलेक्शन के उसमें भी चल रही है। कुछ टाइम पहले मारकूट भी हो गई थी। जो मारकूट जो हुई थी, मारपीट जो भी हुई थी, उसमें कोई केस दर्ज हुआ था? जी हाँ, हमने उस चौकी पे सूचित किया था तो उन्हें पकड़ के ले गए थे। अच्छा, इलेक्शन को लेके रंजिश थी? जी। बॉडी मिली है प्रधान पति की? ग्राम पिपरा नानकार देवरनिया के प्रधान पति की डेड बॉडी मिली है गांव में। उसमें जो है हत्या का शक किया जा रहा है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवाया जा रहा है। ये घर से किस समय गए हुए थे? सुबह 11 बजे गए थे और 4 बजे किसी ने देख के बताया कि गन्ने के खेत में पड़े हुए हैं, तब ये लोग उसको उठा के लेके आए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अब पीएम आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। आप देख रहे हैं समाचार।